मैप इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज बात करेंगे मिस्ट्रल ठंडी हवा के बारे में। मिस्ट्रल एक ध्रुवीय हवा है जिसका असर भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी इलाके में देखा जाता है। इनमें भी इसका सबसे ज्यादा असर स्पेन और फ्रांस में होता है। दरअसल सर्दियों के समय यूरोप के ऊपरी हिस्से में उच्च दाब होता है, जबकि भूमध्य सागर के हिस्से में तुलनात्मक रूप से वायु दाब कम होता है। इससे ठंडी ध्रुवीय वायु भूमध्य सागर की तरफ चलने लगती है। फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से गुजरने और दक्षिण में उतरने के साथ ही इनका तापमान गिरने लगता है। इन हवाओं की गति आमतौर पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जैसे ही रोन नदी की संकरी घाटी से ये गुजरती है इनकी गति और बढ़ जाती है। साथ ही तापमान गिरने से स्पेन और फ्रांस में सर्द मौसम और कष्टकारी हो जाता है। आपको बता दें कि इन हवाओं से बचने के लिए इनके प्रवाह की दिशा के समकोण पर बाग और झाड़ियां लगाई जाती है।